दोस्तों, ये है फ्रीडिस का सेटअप बॉक्स जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में है। आज हम इसमें पता करेंगे कि ये डेड किस वजह से हुआ है और आपको बताऊंगा कि इसमें किन किन कारणों से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर आप कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले इसके जितने भी स्क्रू हैं इनको मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, फिर सारे स्क्रू वगैरह इसके खोल लिए हैं, अब इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए, ओपन करने के बाद चलिए मैं इसमें लाइन दे देता हूँ। ऐसे ऑन कर दिया है और मल्टीमीटर को रखते हैं हम 750 की रेंज पे। सबसे पहले इसकी मेन सप्लाई हमने चेक करनी है, कहीं केबल तो नहीं कटी या कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले यहीं पर हमने देखना पड़ेगा। तो चलिए, तो एक मिनट, यहाँ पर 193 वोल्ट हमें मिले, बिल्कुल ये वाली लाइन हमारी ओके है। और बस दिक्कत यह है कि हमारा सप्लाई में ख़राबी है, कार्ड में ख़राबी है, ये हम अभी पता करेंगे। और अब यहाँ का चेक करते हैं। चलिए, ये वाले सेक्शन को हम लोग चेक करेंगे। ग्राउंड, हम इसको ग्राउंड कर लेते हैं। चलिए, इसको ग्राउंड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले हमें कितना वोल्ट मिलनी चाहिए। 5 वोल्ट। एक मिनट, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है। दूसरी तो ग्राउंड की है, तीसरी है 24 वोल्ट की। तो तीसरे में हम 24 में चेक कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 24 की अगर 2.4, अरे इतना कम, 24 में, एक मिनट, 24 के लिए हमें 200 पे रखना होगा। तो अब 24 वोल्ट को हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रही हमें। अब मिलनी चाहिए हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रही, मतलब। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो एक मिनट, सबसे पहले हम लोग कन्फर्म करेंगे कि हमारा कार्ड भी सही है कि कार्ड भी ख़राब है। तो चलिए, एक एक्सटर्नल में सप्लाई को यहाँ पर लगा लेता हूँ, तभी हमें पता चल पाएगा कि इसका कार्ड ओके है या फिर ख़राब है। तो चलिए, अगर कार्ड हमारा ख़राब होता है तो कार्ड को भी हमें रिपेयर करना होगा। तो वैसे सप्लाई डेड है तो कार्ड तो हमारा सेव होगा ही, फिर भी हमने कंफर्म करना होगा कि भाई ख़राबी किस चीज़ में है। तो चलिए, इसमें लाइन दे देता हूँ और पता चल जाएगा कि कार्ड में क्या ख़राबी है या किस में ख़राबी है। तो यहाँ पर हमारा ये हमने ऑन कर लिया, तो यहाँ पर हाँ हमारा मतलब कार्ड ओके है। अब बाकी सप्लाई की दिक्कत है, तो सप्लाई में हम लोग चेक करेंगे अभी। तो ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। चलिए, अब हम लोग सप्लाई का काम करते हैं। इसको ऑफ करके मैं सारे इसके वायर हटा देता हूँ। तो इसकी सारी वायर मैंने हटा ली, अब क्या करेंगे, इसके सप्लाई को हम लोग बाहर निकालेंगे। चलिए, मल्टीमीटर को पहले मैं ऑफ कर लेता हूँ। सप्लाई को बाहर निकालेंगे, सप्लाई बाहर ऐसे निकल जाएगी हमारी। एक मिनट, यहाँ पर क्लिप इसकी लगी हुई है। एक मिनट, सारे हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, कहीं पर चार्ज होने का कैपेसिटर। अब इसको हमने ओपन कर लेना होगा, इसको रखते हैं हम साइड पे। अब हमने यहाँ पर काम करना है इसमें। देखिए, आपको मैंने काफ़ी वीडियो बना के बताया कि बेसिकली जो जो फॉल्ट आते हैं वो सप्लाई से, उसके लगभग 80-90% फॉल्ट मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए थे। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि ये फॉल्ट जो आया हो किस वजह से आया है। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यू की रेंज पे रख लेना होगा। अब हमने शुरुआती से चेक करना होगा, पता है इतना फ्यूज हमारा ओके है। अब फ्यूज से आगे हम लोग चलेंगे किस पे, फ्यूज से हम लोग आगे चलेंगे यहाँ पर, ये है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर भी बिल्कुल ओके है, जिसमें कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है। कैपेसिटर ये वाला है, डब्बी वाला है ये। और इसके बाद है हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल के बाद ब्रिज रेक्टिफायर है। कॉइल वैसे ख़राब नहीं होती है ज़्यादातर सिचुएशन में। तो चलिए, ब्रिज डायोड का चेक करते हैं, सीन शॉट क्या है। तो डायोड ओके है, दूसरी डायोड ओके है। डायोड एक तरफ शो करती है और एक तरफ शो नहीं करती, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पर डायोड भी बिल्कुल ओके, इस तरफ शो नहीं कर रही, तो इस तरफ शो जरूर करेगी। अगर डायोड बीप मारती है तो डायोड समझ लीजिए ख़राब है। तो ये भी लाइन ओके है हमारे। इसके बाद एक मिनट, कॉइल को भी चेक कर लेना चाहिए। वो सीरियल वाइज चलें तो कॉइल को भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो कॉइल चेक करते हैं हम लोग, एक मिनट, कॉइल चेक करते हैं, कॉइल भी ओके है। अरे एक मिनट, यहाँ पर देखिए, कॉइल बिल्कुल ओके बता रही है, आपको बीप सुनाई दे रही होगी, और यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू सोने के लिए। तो इसका मतलब है कि कॉइल का एक तरफ का आपका बाइंडिंग उड़ गया है। तो यार, ये किस वजह से होगा? अगर होता तो दोनों होना चाहिए था। ये तो काफ़ी अजीबोगरीब फॉल्ट है। एक मिनट, ये ओके है
और ये कोई भी बीप नहीं दे रहा या कोई भी यहाँ पर कंटिन्यू शो नहीं कर रहा, क्योंकि तो मुझे लगा कि कॉइल ओके है, लेकिन यहाँ पर डायोड को चेक करने से पहले मुझे लगा कि कॉइल को चेक कर लेना चाहिए, यही फॉल्ट दिखी। कभी कभी इतने छोटे फॉल्ट से हमारा जो है कि पूरा डब्बा जो है डेड पड़ सकता है। तो इसके बाद कॉइल किस वजह से ख़राब है, एक बार इसको ट्रेस करके हम लोग देख लेते हैं। डायोड भी हमारी ओके थी, और इसके बाद यहाँ पर मेन कैपेसिटर को हम लोग चेक कर लेंगे। कैपेसिटर भी सही ही होगा, कैपेसिटर ख़राब होता तो फुल शॉर्टिंग वहाँ पर दे देता। तो इसके बाद मेन मेन जो डायोड है उनको पहले चेक कर लेते हैं, जो जो यहाँ पर डायोड लगी है जिनसे फुल शॉर्टिंग की समस्या आती है उनको चेक कर लेंगे। तो ये डायोड ओके है और ये भी डायोड ओके है। तो यहाँ पर ओके होने के बाद अब क्या आता है, ये कैपेसिटर आता है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये वाला कैपेसिटर इसके जस्ट पीछे है, ये वाला कैपेसिटर, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। फुल शॉर्टिंग जहाँ से आती है उन चीज़ों को हम लोग चेक कर लेंगे। और बेसिकली रेजिस्टेंस आप लोग चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगी होती है। तो ये रेजिस्टेंस ओके हमारी, ये भी ओके है। अब यहाँ पर आईसी को चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, उससे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, इस किसको, ये वाले कैपेसिटर को। तो हम लोग इसके बाद सबसे पहले तो हम लोग कॉइल डाल देते हैं। अगर आपके पास कॉइल नहीं हो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से जंपर ले सकते हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा भाई, इधर पर कॉइल अगर नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि स्क्रीन पर बार बार झुर्री आना या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे हर किसी कंडीशन में नहीं होती, किसी किसी में देखा गया कि कॉइल अगर आप नहीं लगाते हैं या डायरेक्ट जंपर दे देते हैं तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। वैसे आप जंपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं कॉइल का इस्तेमाल करूँगा। कॉइल के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी पुरानी सप्लाई में से मैं कॉइल को निकाल लूँगा, जैसे कि मेरे पास, मैं ढूंढता हूँ एक मिनट। यहाँ पर कॉइल को लगाने से पहले यहाँ पर एक बार इसको मैं चेक कर लूँगा, एक हल्की सी हम वायर यहाँ पर बांधेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसको देखिए यहाँ पर इस कॉइल का जो है पोर्शन जो है शॉर्ट हुआ है। तो एक बार इसमें एक वायर लगा के हम लोग चेक कर लेंगे कि ये हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो कहाँ पर फॉल्ट है इसको हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कॉइल का हमें शॉर्टेज मिला हुआ है तो उसी को हमने चेक करना होगा। तो यहाँ पर एक पतली सी वायर मैंने यहाँ पर देखिए बांध दी है, क्योंकि अभी कॉइल मैं लगाऊंगा नहीं, अगर कॉइल लगाता हूँ तो कहीं आगे फॉल्ट होगा तो दोबारा हमारी कॉइल उड़ जाएगी। तो पहले ऐसे ही हम लोग चेक कर लेंगे, देखिए इसको हम लोग इसमें लगा लेते हैं और ऐसे ही चेक कर लेंगे। हमारा अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है तो अच्छी बात है, हम लोग कॉइल नई वाली डाल सकते हैं। चलिए अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि यह ऑन हुआ कि नहीं। तो हाँ भाई, ऑन हो गया यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर कॉइल का ही प्रॉब्लम है। तो चलिए ये तो ऑन हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, नई कॉइल डाल देंगे। तो कॉइल काफ़ी पतली होती है, कभी फ्यूज़ ना उड़ पाए तो कॉइल भी उड़ जाती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा फ्यूज ही उड़ता है, फ्यूज अगर नहीं उड़ पाता है तो कॉइल भी उड़ने के चांसेज यहाँ पर रहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे ही जंपर मार सकते हैं, अगर नहीं कॉइल है तो आपके पास, अगर कॉइल है तो फिर कॉइल डाल दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉइल को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पेस्ट वगैरह अप्लाई कर लेंगे, उससे पहले यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लेते हैं, कहीं पर ये चार्ज तो नहीं है। चलिए, सेफ्टी हमारे हाथों में है कि अगर हम सेफ्टी से यूज काम नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत पड़ सकती है। तो जल्दी से इस कॉइल को हम लोग निकाल लेते हैं और इसके बाद नई कॉइल यहाँ पर डाल देंगे। मेरे पास फ्रिज की काफ़ी सारी सप्लाई है, उसमें से हम लोग डाल देंगे कॉइल को। चलो ये क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। कॉइल नीचे गिर गई हमारी, ये वाली, तो इसकी जगह पे हमने नई वाली कॉइल यहाँ पर यूज़ करनी है। चलिए मैं कॉइल को मैनेज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक कॉइल जो मेरे पास है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इससे पहले इसकी टेस्टिंग वहाँ करके आपको दिखा देता हूँ और मैं भी कर लेता हूँ। ये नहीं कि भाई हमने सीधे डाल दी, अगर ख़राब भी होगी तो फिर दिक्कत हमारे को पड़ सकती है। तो ये ओके है इसका, ये वाला, हाँ ये पॉइंट भी ओके है। और अगर आपको पुरानी कॉइल दिखाऊं तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसका ये पॉइंट ओके है और इस पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे तो ये बिल्कुल डेड है। चलिए इसको रखते हैं साइड पे और इस कॉइल को हम लोग लगाते हैं। कॉइल लगेगी बिल्कुल ऐसी, इसकी पोजीशन रहेगी ऐसी, बिल्कुल ऐसे ऐसे रहेगी इसकी पोजीशन कॉइल की, मतलब इसके दो पार्ट, पहला वाला पार्ट ऊपर को, दूसरा वाला पार्ट नीचे को। एक मिनट, हाँ ये अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सोल्डरिंग वगैरह करके बिल्कुल फिक्स कर लेंगे।
तो चलिए इसको जल्दी से मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करके बैठा देता हूँ और उसके बाद इसकी फाइनल टेस्टिंग हम लोग कर लेंगे। दोस्तों कभी कभी एक छोटे से छोटा फॉल्ट भी हमारे सर दर्द बन जाता है और क्या है कि बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हमने सोल्डरिंग कर लिया है और इसको एक बार सफाई वगैरह कर लीजिए आप अगर आपके पास कोई क्लीनर हो तो। ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। चलिए अब इसकी फाइनल टेस्टिंग हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा डीटीएस का बॉक्स ऑन हुआ कि नहीं। दोस्तों यहाँ आपको इसी तरीके की टिप्स ट्रिक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप चैनल पर इसी तरह सपोर्ट करें बने रहे तो। चलिए इसको मैं एक बार ऑन करके चेक कर लेता हूँ। चलिए आप हमेशा इसको सीरीज में ही टेस्ट कीजिएगा। सीरीज में टेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सेफ है होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बॉक्स ऑन हो जाए। दोस्तों बॉक्स में कोई भी फॉल्ट हो उसको रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको फॉल्ट समझ में आना चाहिए, आपको किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करना आना चाहिए। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप क्या कीजिए इस वीडियो को एंड करने के बाद आप एंड स्क्रीन पर देख लीजिए, वहाँ पर फुल गाइड मैंने किया हुआ है इसके सप्लाई पे। आप लोगों को काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी हेल्प इसमें आपको मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करके आप शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद।